फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज के बारे में। और फाइनली पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन कल 3 मार्च से स्टार्ट हुई। बहुत ही भागदौड़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई और यूनिवर्सिटी की लापरवाही से बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। बहुत जगह तो 3 मार्च के सुबह तक भी एडमिट कार्ड दिया गया, यानी कि 2 मार्च के शाम तक जब तक प्रोटेस्ट चल रही थी 2 बजे के बाद से ही एडमिट कार्ड सारे कॉलेजेस में पहुंचाई गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, जिस वजह से छात्रों को बहुत भागा दौड़ी करना पड़ा, जिससे बहुत ही व्यवस्था में कमी देखने को मिली। और वहीं हमारे यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनका तो एक अलग ही स्वेग में रहती है। देखिए क्या बोली है ये कि MU की कुलपति श्यामा राय ने बताया कि विश्वविद्यालय के अधिकारी मजबूत टीम के रूप में कार्य कर रही। क्या मजबूत टीम के रूप में कार्य करती? अभी तक पार्ट वन वाले का जो कि परीक्षा फॉर्म भरा जाना था 2020-23 वाले का, अब 2023 भी आने को है, कुछ महीने को बाद 2023 आ जाएंगे, उनका कंप्लीट होना चाहिए सेशन, वहीं पे उनका पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा पाया। आप लोग सोचने वाली बात है, वो लोग सोच के भी बच्चे लोग डिप्रेशन में चले जाते होंगे कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब 2023 में उन लोग को एकेडमिक ईयर पास हो जानी चाहिए, वहाँ भी आपके तक फॉर्म नहीं भराए और बोलते हैं मजबूती से काम कर रहे हैं और युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। ऐसे बड आपको बोलने में शोभा नहीं देती है, क्योंकि आपके लिए युद्ध स्तर क्या होता है, इसी तरह की लापरवाही यूनिवर्सिटी में चल रही है। तो देखिए अभी तक जो पार्ट वन और पार्ट टू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना है, वो कुछ भी प्रिडिक्शन करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 फरवरी के बाद से ही इनको डेट दे देना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। वहीं पे पार्ट थ्री का जो एडमिट कार्ड था उसी को बांटने में ये लोग युद्ध स्तर पर काम को मानते हैं कि एडमिट कार्ड बांट दिए बहुत लेट से, एग्जाम के डेट तक एडमिट कार्ड बांटे गए और उसी को अच्छे मानते हैं और उसी को मानते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोगों को वेट करने के सिवा और कुछ नहीं है। आइए पूरा न्यूज़ देखते हैं। हम लोग पार्ट थ्री की परीक्षा शुरू हुई, पहले दिन 30 अनुपस्थित रहे और ये देखिए पार्ट थ्री का परीक्षा देते हुए बच्चे आपको देखे गए होंगे, क्योंकि इन लोगों का फाइनल परीक्षा पेन और पेपर से ही होना है, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन ही हो सकता है इन लोगों का। मुंगेर विश्वविद्यालय मुख्यालय में बुधवार को सत्र 2018-21 स्नातक पार्ट थ्री परीक्षा के एक दिन पूर्व छात्र छात्राओं के हंगामे ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़ा कर दिए। छात्र छात्राओं के हंगामे ने जहां विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के बीच आपसी असमंजस नहीं होने की बात सामने ला दी, वहीं परीक्षा के 4 दिन पहले तक स्नातक पार्ट थ्री में नामांकन और 2 दिन पूर्व तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने का कारण अधिकारियों के काज पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। हाँ देखिए, परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले तक पार्ट थ्री में एडमिशन लिया गया, समझ लीजिए कितना ज़्यादा लापरवाही यूनिवर्सिटी में चलती है, और ठीक 2 दिन पहले तक परीक्षा फॉर्म भरवाए गए और कितनी बार, लगभग 6 से 7 बार परीक्षा फॉर्म डेट बढ़ाए इन लोग, फिर जाके एग्जामिनेशन करा रहे हैं। और कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कम बच्चे हैं, फिर भी ऐसा हाल है। परीक्षा के 2 दिन पूर्व तक चलती रही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया। स्नातक पार्ट थ्री परीक्षा के 1 दिन पूर्व तक एडमिट कार्ड नहीं मिलने को लेकर वैसे तो कई कारण है, जिसमें एक कारण विपक्ष परीक्षा के 2 दिन पूर्व तक परीक्षा विभाग द्वारा इस सत्र के छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म भरवाया जाना। बता दें कि MU द्वारा 3 मार्च से आयोजित इस सत्र की परीक्षा में लगभग 10,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। वहीं MU लगभग 4 साल में पहली बार विश्वविद्यालय स्नातक के अंतिम सत्र की परीक्षा ले रहा है, 4 सालों में पहली बार। ऐसे में यह परीक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा विभाग द्वारा परीक्षा के 2 दिन पूर्व तक पहले तक इस सत्र के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा था, जिसके कारण ना तो छात्र छात्राओं को डमी एडमिट कार्ड उपलब्ध हो पाया और ना ही परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का त्रुटि ठीक करने का समय दिया गया, जबकि नियमानुसार परीक्षा विभाग द्वारा लगभग 10 दिन पूर्व परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया को संपन्न कर लेना चाहिए और एडमिट कार्ड जारी कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आगे नामांकन व परीक्षा विभाग के बीच आपसी असमंजस का अभाव दिखा गया। नामांकन और परीक्षा विभाग के बीच इस शुरू से ही चलता आ रहा है कि लोग के यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो हैं और कर्मी लोग जो हैं काम करते हैं उन लोग में आपसी असमंजस नहीं होते हैं, आपसी में कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यूनिवर्सिटी कोई भी लेटर निकाल देती है तब तक 2 से 3 दिन के बाद इन लोग का वेबसाइट पे ही अपलोड होती है। तो देखिए आपका जो एग्जामिनेशन ये चल रहा है 3 मार्च से लेके 15 मार्च तक एग्जामिनेशन चलना है इन लोग का। 15 मार्च तक यूनिवर्सिटी पार्ट थ्री के एग्जामिनेशन में ही बिजी रहेंगे, आपके पार्ट वन पार्ट टू पे बहुत ही कम ध्यान देंगे। हालांकि इन लोग को पार्ट वन और पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट निकाल देना चाहिए, उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होते रहेंगे, इधर एग्जामिनेशन चलता रहेगा। जैसे ही पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन कम्प्लीट होता है ठीक 16 या 17 मार्च से इन लोग को जस्ट होली के बाद से 16-17 या कुछ 18 मार्च को होली है, इसके जस्ट बाद से आपको जो MR सीट पे इन लोगों ने बोला था उस तरह से पार्ट वन और पार्ट टू को दोनों का साथ
साथ में एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि मार्च में ही एग्जामिनेशन खत्म हो जाए और उसके ठीक एक दो सप्ताह के बाद ही ओमार से एग्जामिनेशन लिए हैं तो उनका रिजल्ट देके पार्ट टू में एडमिशन और पार्ट थ्री में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने अनुसार ही करेंगे और ये सुनेंगे किसी का नहीं। देखिए परीक्षा नियंत्रक क्या कहते हैं, एमयू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामा रामाशीष पूर्वे ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा गुरुवार से स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा ली जा रही है। पहले ही दिन दो पालियों में आयोजित परीक्षा में कुल 1844 परीक्षार्थियों में 1814 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। देखिए सिर्फ 1844 परीक्षार्थी ही है जिसमें से 1814 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। और जो आपके वीसी कहती हैं वो तो आपको पहले ही बता दिए कि युद्ध स्तर पे काम चल रही है, मजबूती से टीम काम कर रही है और ये सारे मजबूती और युद्ध स्तर पे काम करने का परिणाम है कि आप लोग का सेशन तीन तीन साल दो दो साल लेट चल रही है और कोई भी चीज़ यहाँ पे समय और रूल रेगुलेशन से नहीं होती है, यही है। और यहाँ पे वही सारे बताया गया कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, कितना उपस्थित हुआ, कितना अनुपस्थित हुआ। मेनली आप लोग को जो वेट कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप लोग तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं होने की वजह से आप लोग के लिए अपडेट नहीं दिया जा रहा है कि पार्ट वन पार्ट टू का फॉर्म फिक्स किस डेट से भरे जाएंगे। लेकिन हाँ ये बात है कि अब आप लोग का ही नंबर है और अब लेट करता है यूनिवर्सिटी तो बहुत अन्याय को लिमिट को पार कर दिया ऑलरेडी और अब और ज़्यादा अन्याय हो जाएगा, फिर बच्चे में आक्रोश की भावना पैदा हो जाएगी और फिर से आंदोलन का सामना करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। इसलिए उन लोगों को जल्द से जल्द चाहिए, जहाँ तक भी जो भी अधिकारियों तक बात पहुँचती है वो लोग जल्द से जल्द पार्ट वन पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट निकाल दें, जिससे कि बच्चों में असमंजस की स्थिति नहीं बनेगी। वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे फिर जस्ट उसके बाद ही ओमआर पे, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने बोला था ओमआर पे ही एग्जामिनेशन लेनी चाहिए, क्योंकि पेन और पेपर से यदि एग्जामिनेशन कराते हैं ये तो उसमें बहुत ज़्यादा सेशन लेट होगी और सेशन ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। इसलिए इनको ओमआर पे ही कराना चाहिए, कराना तो इनको प्रमोट कर देना चाहिए था पार्ट टू में और पार्ट थ्री में फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन लेना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने प्रमोट नहीं किया तो ओमआर बेसिस पे एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। जैसे ही आप लोग के लिए अपडेट्स आएगा पार्ट वन पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अपडेट कभी आया लेकिन कंफर्म डेट अभी तक पता नहीं है, तो जैसे ही आएगा आप लोग को अपडेट कर देंगे। पसंद आने पे वीडियोज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।